अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ैनुल आबेदीन और हाजिर हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलें आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले तो आप लोगों को जुमा मुबारक। मैं एकेडमी गया था तो एकेडमी से आके त्यौहार वगैरह होके तो जुमा पढ़ के अभी मैं आया हूँ। आज का बात इस अबाउट है कि ये मेरे पीछे आप साइकिल तो देख रहे होंगे। इस साइकिल की बहुत ही पुरानी कहानी है। मुझे साइकिल चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो ये मैंने अपने भाइयों से कहा था कि मुझे साइकिल ला दें, तो उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले ये साइकिल ला के दी थी मुझे। तो मैंने 1.5 साल चलाई है और अभी मेरा दिल भर गया जब ये इसका अगला टायर भी और पिछला भी पंक्चर हुआ है। तो मैंने एक ही जगह रख दी है, तो आज मैं कह रहा हूँ कि इसको ठीक करवा लाऊँ, क्योंकि जब मैं अकेडमी जाता हूँ तो बाइक फ्री नहीं होती तो पैदल जाना पड़ता है। तो अभी आज मैंने सोचा कि इसको मैं ठीक करवा लाऊं, तो चलें चलते हैं। साइकिल ठीक करवाने के लिए मुझे ना अभी तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर कुल्ली अड्डा फिरोजपुर है, वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में तो साइकिल या मोटरसाइकिल की कोई शॉप नहीं है और जब भी कोई चीज़ ख़राब होती है तो फिर वहाँ जाना पड़ता है। तो चलें चलते हैं। पैसे अगर रह गए थे तो इधर से आके बाइक इधर लाई है दोबारा। पेट्रोल भी खत्म हो गया, अभी पेट्रोल लेगा वो। मेरा पेट दर्द करने लग गया इधर से, जोर से मैंने पकड़ दिया। अभी पेट्रोल डालते हैं, सुबह को मैंने दे दिया साइकिल से, तुम चले जाओ। अभी मैं बाइक पे जा रहा हूँ, सुबह को मैंने भेज दिया आगे, वो आगे चला गया। अभी वो लड़का भी पीछे पीछे आ रहा है जिससे मैंने बाइक ली थी। मैंने पेट्रोल भी डलवा दिया उसे 50 का। तो रास्ता बारिश की वजह से ज़्यादा ही ख़राब हो गया। मैंने कहा चलो मैं वो उधर जाके खड़ा होता हूँ, तो बाइक उधर से ले आना, फिर आगे से मैं साइकिल ले जाऊँगा। मैंने जाना है वो साइकिल थोड़ी ठीक करवाने, सुबह को भेजा हुआ है बेचारा, इंतज़ार कर रहा होगा। ये देखें, ये सुबह इतनी दूर पहुँच गया, वह लिया मैं लाइया की कह दी बुढ़ी। वो पीछे पीछे आ रहा है, ये पास से आ रहा है, बेटा वो उधर है। अभी मैं खुद लेके जाता हूँ उस बेचारे को आगे सिखा दी मैंने। अभी मैं कुल्ली अड्डा फिरोजपुर पे पहुंच गया हूँ, तो चले चलते हैं अभी फिर पंक्चर होने वाली दुकान पे। ये है जी हमारा कुल्ली अड्डा, जहाँ हम किसी भी वक्त कोई भी ज़रूरत हो किसी चीज़ की भी तो यहाँ लेने आ जाते हैं। अभी ये भाई के पास आए हैं तो ये कह रहे हैं हम साइकिल को पंक्चर नहीं लगाते, तो अभी किसी और के पास लेके जाते हैं।
मेरा मुंह तो आपने देखा होगा, क्या चूसा बन गया मैंने, पूरा खुली अड्डा छान मारा है। जो भी पंक्चर लगाता है वो कह रहा है हम साइकिल को पंक्चर ही नहीं लगाते, तो अभी एक अंकल ने बताया है तो वो थोड़ी उधर लगाते हैं अंकल, तो अभी उनके पास में लेके जा रहा हूँ साइकिल। फाइनली दुकान हमें मिल गई है, तो भी मैंने एक साइकिल रोक दिया, वो कह रहे हैं मैं पंक्चर लगा देता हूँ, तो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, पहले यहाँ दर्द हो रही थी अभी यहाँ हो रही है, थोड़ी देर में पानी पी जाता हूँ। मुनीब मोटर चल दी है, अभी मैंने पानी पी लिया है, उधर से भाई ने आवाज़ दी है कि पंक्चर लग गया साइकिल को, तो चले अभी चला के देखते हैं अपनी साइकिल, मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी मुझे साइकिल ठीक करवा के सुकून मिल गया, ये गियर वाली साइकिल है, अभी मैं रोज़ ही इसी पे एकेडमी जाया करूँगा, 10 मिनट में इसमें पहुँचा देना है। इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।